अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैद अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं उमैद मीडिया यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं चकलाला स्किमसी रावलपिंडी में, बुस्तान खान रोड पे, कलवाने मक्का में। हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं कलवाने मक्का के जो ओनर हैं हाजी नसीर मुग़ल साहब, इनके पास हम आए हैं और इनसे पूछने कुछ सवाल और जानते हैं कि हज उमरे के लिए क्या कुछ ज़रूरी होता है और क्या कुछ करना पड़ता है, इस बारे में हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है, ठीक हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। सर हमें बहुत खुशी हुई कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने दफ्तर में दावत दी आने की और अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी बिल्कुल जी, बड़ी मेहरबानी आपकी और बहुत शुक्रिया, हम आपके लिए हाज़िर हैं। जो आप सवाल करना चाहें पूछें हमसे, हम बताने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। सर आप हमें ये बताएं कि जो ये आप कंपनी चला रहे हैं हज उमरे की, ये कितने अरसे से आप चला रहे हैं? ये 2006 से चला रहे हैं। 2006 से चला रहे हैं। सर आप हमें यह बताएं कि जो आपके हाजी जाते हैं, अक्सर होते हैं कि उनको कुछ पता नहीं होता कि जी हज कैसे किया जाता है, क्या कुछ इस बारे में हमें बता दें कि आप क्लासेस भी देते हैं कोई या इसी तरह कुछ हमें इस बारे में गाइड कर दें। जी, हम हज जब शुरू होता है तो हम हाजी बुक करते हैं, बुक करने के बाद फिर हम उनका ट्रेनिंग सेशन जो है वो मुकर्रर करते हैं, उसके लिए डेट टाइम जगह मुकर्रर करते हैं, उनको इतला देते हैं, फिर वो तशरीफ़ लाते हैं। बाकायदा हम उसको मल्टीमीडिया पे प्रोजेक्टर के ऊपर बाकायदा पूरी यहाँ से जाने से लेकर वापस आने तक जो हज में मुश्किलात हैं, जो सहूलतें हैं, जो तरीक़ाकार है, कैसे हज करना है और सारी जो चीज़ें हैं वो सारी उनको हम बताते हैं ताकि उनको हज करने में आसानी हो और हज में किसी किस्म की उनकी कोई गलती ना हो, कोताही ना हो, जिसकी वजह से उनके हज में कोई फ़र्क आ सके। और इस तरह हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हाजियों को फैसिलिटेट करें और उनको सही गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें, उनको हम किताबचे भी छोटे छोटे देते हैं, एक किताब मैंने ख़ुद भी लिखी है वो भी देता हूँ उनको। उसके अलावा कारवाने मक्का की पूरी टीम होती है उनके साथ और वहाँ जहाँ जहाँ हम जाते हैं एयरपोर्ट से लेकर वहाँ एयरपोर्ट पे उतरते हैं, फिर आप अपनी बिल्डिंग में जाते हैं होटल में, होटल में उनको ठहराते हैं, फिर उसके बाद हज जब शुरू होता है हज पे लेके जाते हैं, मिना लेके जाते हैं, फिर उसके बाद हम अरफात में लेके जाते हैं, अरफात में हज का जो रुकन आज़म है वो वहाँ पे अदा करते हैं, फिर वापस रात को मुज़दलिफा में रात गुजारते हैं खुले आसमान के नीचे, और उसके बाद 10 तारीख को बड़े शैतान को कंकरियाँ मारते हैं और कंकरियाँ मारने के बाद फिर चले होटल में जाकर अहराम को उतारते हैं, कुर्बानी उससे पहले हो जाती है, सर मुंडवाते हैं और अहराम उतारते हैं। अहराम उतारने के बाद आम कपड़े आम लिबास पहनकर वो खाने काबे के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं हाजी हमारे, हम उनके साथ होते हैं, फिर वहाँ तवाफ़ ज़्यारत करते हैं, 7 चक्कर खाने काबे के लगाते हैं, 7 चक्कर फिर इसी तरह सही के करते हैं, इसी तरह उनकी वो तवाफ़ ज़्यारत जो है वो मुकम्मल हो जाती है। फिर वापस रात को मीना में ही आ जाते हैं और वहाँ पे मीना में आकर वो खाना शाना खा के वहाँ पर सो जाते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर 11 को भी जाकर कंकरियाँ मारते हैं शैतान तीनों को, बड़े को, दरमियाने को, छोटे को, फिर वापस आ जाते हैं मीना में, वहाँ पे बंदोबस्त रहने का होता है हमारा, चूँकि एग्जेक्टिव पैकेज होता है, VIP पैकेज होता है हमारे साथ, वो लोग जो आते हैं जो थोड़ा सा महंगा पैकेज होता है लेकिन बहुत सहूलतें उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। मीना में करीब होता है शैतानों के, वहाँ AC लगे होते हैं, जगह जो होती है वो मुनासिब होती है, उसमें कमी नहीं होती है, खाना हमारा जो बूफे होता है बाकायदा हर किस्म कई किस्म की डिशें होती हैं वहाँ पर हम देते हैं उनको हाजियों की सहूलत के लिए, और अच्छा मकतब होता है, करीब होता है। फिर इसी तरह 12 तारीख को दोबारा कंकरियाँ मारते हैं हजाज कराम और उनको वापस अपने होटल में लेकर आ जाते हैं, फिर इसी तरह हमारा ये हज को जो है 5 दिन मुकम्मल हो जाते हैं। और जो लोग 13 तारीख को 12 तारीख को रात को वहाँ रहना चाहें वो 13 तारीख को कंकरी मार के वापस आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो जो रहना चाहते हैं, ज़्यादा लोग जो है 12 तारीख को वापस आ जाते हैं होटल में और अपने होटल के अंदर रहते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ जितना अरसा उन्होंने रहना हो वो रहते हैं 1-2 दिन, और उसके बाद हम ले जाते हैं उनको मदीना पाक में, मदीना पाक 3 दिन वहाँ हमारे चूँकि VIP पैकेज होते हैं 5-स्टार होटल होते हैं, 3-4 दिन वहाँ रख कर फिर वापस हम अल्हम्दुलिल्लाह या मदीने से फ्लाइट होती है या जद्दे से होती है, जैसे भी हो हम उनको वापस पाकिस्तान में ले जाते हैं। तो हमारा ये मुख्तसर हज होता है, इस हज के ऊपर हमने
जो है वो फोकस किया है, इस पर हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, हमारे हाजी जो है उसमें हज करने में उनको आसानी होती है और वो इंतहाई मुतमिन होते हैं और खुश होकर वापस आते हैं अपने मुल्क में और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत राज़ी खुशी होते हैं और इस तरह हज उनका मुकम्मल हो जाता है। सर एक और सवाल था मेरे जहन में आया कि जो आपके हाजी हैं आप उनको सामान वगैरह भी देते हैं या वो सामान अपना ले के आते हैं, इस बारे में कुछ बता दें आप हमें। जी ऐसा है कि सामान तो कपड़े वगैरह तो उनके अपने होते हैं, हम उनको एक बड़ा बैग देते हैं जाने के लिए जिसमें सामान वगैरह लेकर जाते हैं, कपड़े वगैरह एक छोटा बैग उनको देते हैं मीना के लिए जो गले में डालने के लिए, एक और छोटा बैग होता है जिसमें कागजात वगैरह हों, ये जो होता है इसके लिए तस्बीह वगैरह होती है, इसी तरह शू बैग होता है, इसी तरह स्टोन बैग होता है, ये चीज़ें हम उनको देते हैं, छतरी होती है जो अम्ब्रेला होता है वो भी हम उन्हें देते हैं, तो इस तरह की पानी की बोतल होती है, ये ज़रूरी चीज़ें जो वहाँ पे उनको हज में ज़रूरत होती हैं वो हम उन्हें देते हैं, इसी तरह वहाँ पे जो है वो स्लीपिंग बैग भी देते हैं मीना के लिए मुज़ल्फ़ा के लिए, तो ये चीज़ें ज़रूरी ज़रूरी हम देते हैं, बाकी उनके अपने कपड़े होते हैं बस कपड़े उनके होते हैं और वापसी भी अगर कोई शॉपिंग किसी ने करनी है तो वो ठीक है, और हराम भी हम देते हैं जो जेंट्स होते हैं उनको अबाया देते हैं, जो हमारे पास मस्तूरात जाती हैं उनको अबाया भी देते हैं, तो अगर कोई एक हद ज़्यादा अबाया और हराम लेना चाहे तो वो लेके जाता है, अदरवाइज़ जो चीज़ें हम देते हैं उसके साथ भी बाकायदा तौर पे सही तरीके से हज किया जा सकता है। सर इसमें जो बताया जाता है कि जी इतना वज़न ले कर जाना चाहिए, उस बारे में कुछ बता दें, क्योंकि बाद लोग पूछे होते हैं कि कितना वज़न ले कर जाएँ कितना ना ले कर जाएँ, इस बारे में लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, आप हमें यह भी बता दें। जी अच्छा सवाल किया आपने, इस तरह है कि सऊदी एयरलाइन यहाँ से जाने का तो कोई मसला नहीं है, इतना सामान होता नहीं किसी के पास, एक बैग वापसी पे मसला होता है, लोगों ने खजूरें लेनी होती हैं, शॉपिंग करनी होती हैं, जमजम होता है, इसलिए वापस में प्रॉब्लम होती है, तो उसका मैं वेट आपको बता देता हूँ, सऊदी एयरलाइन के जो है दो बैग होते हैं 23-23 जो है वो किलो के होते हैं वापसी पे, और इसी तरह एक हैंड कैरी उनका होता है 7 किलो का, तो ये तो सऊदी एयरलाइन का, इसी तरह जो पीआई है उसके भी इसी तरह 40-45 किलो का वज़न है, बाकी एयरलाइन का भी इसी तरह ही है, तो इस तरह 40-45 किलो से ज़्यादा तो नहीं ला सकता, और ये काफ़ी होता है इंसान के लिए, वहाँ से जो खजूरें वगैरह लानी होती हैं और तो कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं है, और जो शॉपिंग वैसे करते हैं हजाज कराम उनसे हम उन्हें कहते हैं कि यहाँ से ना करें, सारी चाइना की चीज़ें होती हैं वह पाकिस्तान में भी वाफर मकदार में यहाँ मुहैया हैं और मिल सकती हैं और यहाँ से वो शॉपिंग की जा सकती है, इसलिए वहाँ से हम उन्हें गाइड करते हैं कि वही चीज़ें लेके जाएं जो आपको कारामद हों और ज़रूरी हों आपके लिए। जी अक्सर एक और सवाल भी सर आता है, पूछते हैं लोग कि जमजम का जो पानी आप वहाँ से लेके आते हैं वो भी इसी वज़न में ऐड होता है इसी में, या वो लादा से उसका कुछ है? हाँ जी ये भी आपने ठीक फरमाया, बात यह है कि जमजम जो है वो इस वेट में नहीं होता, वो इस वज़न में नहीं होता, ठीक है जी, वो अलग से होता है, वो 5 लीटर की एक बॉटल होती है, पैक होता है उसका अपना, और वो 8-9 रियाल की मिलती है, वो हम लोग ख़ुद मुहैया करते हैं वहाँ पासपोर्ट पे अपने हजाज कराम को, और उनके वेट में वो शामिल नहीं होती। जी। सर आप ये बता दें कि आपने कितने हज किए हैं? जी मेरे तो 20-25 हज मेरा हालत 23-24 हो गए मेरे, माशाल्लाह। सर हमें यह बताएं कि उम्रे का भी इसी तरह होता है जैसे आपने हज की डिटेल बताई है, उम्रे की भी यही है या वो कुछ चेंज है? नहीं उम्रा तो और चीज़ है बिल्कुल, उसकी बिल्कुल ही अलग से एक तरीक़ाकार है, हज अलग चीज़ है, हज चूँकि फ़र्ज़ है, उम्रा तो किसी पे फ़र्ज़ भी नहीं है, और उम्रा तो 15 दिन का भी होता है, 22 दिन का भी होती है, 7 दिन का भी होती है, 10 दिन का भी होती है, और VIP होता है और कानवी भी होता है, 2 लाख से शुरू होता है तो 4-5-6-7 लाख तक एक बंदे का होता है, वो उसमें ये होता है कि वो होटल कौन सा लेता है, VIP 5 स्टार करीब तरीन होटल लेगा ज़्यादा पैकेज हो जाता है, इसी तरह बिजनेस क्लास की अगर सीट लेगा तो उसकी ज़्यादा जो है वो अमाउंट उसे पे करनी पड़ती है हाजी साहब को, और इसी तरह बाकी चीज़ें तो हज में तो हम साथ होते हैं, खाना पीना भी हमारा जो है वो हम साथ देते हैं, लेकिन हम उम्रे में ये होता है कि खाने का बंदोबस्त नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कहे तो खाने का अरेंजमेंट करके देते हैं, लेकिन वो कॉस्टली पड़ता है, उस वजह से हजाज कराम ये कहते हैं कि नहीं ये ऐसा छोड़ दें, वो उसमें सिर्फ अगर 5 स्टार है तो ब्रेकफास्ट होती है, बाकी के लिए वो खुद ही वहाँ से खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं। सर अगर वहाँ पर किसी हाजी को कोई मुश्किल का सामना करना पड़े तो वहाँ पर आपका अपना कोई स्टाफ है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह
पहली बात तो यह है कि हजाज कराम के साथ हम बिल्कुल साथ होते हैं। मसलन मैं अगर ऐसे कहूँ अपनी कंपनी का, तो मैं ख़ुद साथ होता हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरा बेटा है बशीर अहमद वो डायरेक्टर है, वो साथ होता है, और 100 का हमारा 103 का कोटा है, और माजी इस वक्त 60 ले गए थे, दो एक हमारा वहाँ से बहुत परमानेंट 10-12 साल से एक बच्चा हमने रखा हुआ है, वो भी 40 साल की उम्र है, उसकी अच्छा मच्योर है और ज़बान वगैरह अरबी भी जानता है, वहाँ सऊदी अरबी भी उधर ही है, वो काम वहाँ करता है उम्रे का, तो उसको भी हमने साथ रखा होता है। इस तरह और भी लोग साथ हमारे होते हैं, अगर किसी को तकलीफ़ हो जाए तो वहाँ से गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसकी दवाई इलाज करा के फिर वापस हम ले आते हैं, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी होती है उसमें, तो हाजी को अकेले हम नहीं छोड़ते उम्रे में, हाँ हम नहीं होते उम्रे में, फिर वहाँ से खुद जिस होटल में रह रहा होता है उस होटल के जो स्टाफ है उसको वो कहता है, तो वो फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला लेते हैं और हाजी को ले जाते हैं, और वहाँ पर किसी को ऐसे बेजार मददगार नहीं छोड़ा जाता। सर, जो आपके चाहने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि जो लोग हज करने जाते हैं बस वो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा मजबूत करें, वर्जिश वगैरह करें, और रोज़ाना 2-3-4 किलोमीटर वो चला करें, ये उनके लिए ख़ास करके ज़रूरी है। मेडिसन जो है वो अपने साथ ले कर जाएँ, और यहाँ भी कोशिश करें कि अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना बनाने की कोशिश करें, और जो ज़ईफ़ लोग हैं वो भी कोशिश करें कि अपने आप को दवाई इलाज करा के फिट करके फिर जाएं। और इसी तरह उम्रे के लिए अगर जाते हैं तो मैं यही गुजारिश करूंगा अपने नाज़रीन को कि वो उम्रे के लिए भी इसी तरह ग्रुप की सूरत में जाएं, 2-4-6-8 आदमी इकट्ठे होकर जाएं, ताकि आपका वहाँ बंदोबस्त करना आसान हो जाए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहूलत मिल जाए। ये तो इकानमी वालों के लिए, लेकिन VIP लोग जो है वो तो ग्रुप के तौर पे जाते नहीं है, वो तो कपल होते हैं या डबल बेड लेते हैं, ट्रिपल क्वाड का वो ले लेते हैं और उनको हम दे देते हैं, और उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं। इंशाल्लाह जब भी आप तशरीफ़ लाएँ, कारवाने मक्का का दरवाज़ा खुला है उनके लिए, और हम इंशाल्लाह ताला उनके लिए बंदोबस्त करने के लिए तैयार यहाँ बैठे हैं। उनके लिए सीट का, जहाज़ की सीट का बंदोबस्त करना ये हमारे ज़िम्मा है, और इसी तरह टिकट लेके देना, उनको वीज़ा लगा के देना, उनको पूरे तरीके से गाइडेंस करनी, यहाँ से समझा बजा कर भेजेंगे और वापस आकर इंशाल्लाह ताला वो सही तरीके से उनका उम्रा भी हो सकेगा। उम्रा भी एक छोटा हाजी किस्म का है, और ये भी खुशकिस्मत लोग हैं जो उम्रे के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला उनका ये उम्रा कबूल फरमाए, और हमारे यहाँ जो भी आएगा इंशाल्लाह ताला हम अपनी खिदमात उनके लिए पेश करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमारे किसी हाजी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हम दावे से कहते हैं, इसलिए कि हम उसके साथ साथ रहते हैं, हम मुनासिब सा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं काम करते, सिलेक्टिव हमारा काम होता है, और हमारे कस्टमर जो हैं वो भी सिलेक्टिव आते हैं हमारे पास जाने पहचाने, और उनकी हम पूरी खिदमत अच्छे तरीके से करते हैं, वो भी मुतमिन है, हमें भी फ़ायदा होता है और हमारे हुजाज इकराम को भी, और जो उम्रे वाले ज़ाहिर हैं उनको भी फ़ायदा होता है। जी हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ। हमें बहुत मज़ा आया हाजी साहब के साथ बात करके, गपशप लगाई हमने, आप भी जाने हज के बारे में, उम्रे के बारे में, और अगर किसी को जाना हो तो हम नीचे कारवाने मक्का का एड्रेस भी मेंशन कर दें, और कारवाने मक्का का जो नंबर है वो भी मेंशन कर दें, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आप इनके साथ जाएं, आप मुतमिन होंगे। अल्लाह हाफिज़।